नमस्कार। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के साले और मां लक्ष्मी के भाई कहलाए जाने वाले शंख को बेहद पवित्र माना गया है। इसलिए इसे घर में रखने से न सिर्फ वास्तु दोषों से छुटकारा मिलता है बल्कि घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके इतने फायदे हैं कि उंगलियों पर गिनना मुश्किल हो जाए, लेकिन इसका लाभ भी आप तभी उठा सकते हैं जब आप इसका सही से इस्तेमाल करें। दरअसल हिंदू धर्म में 10 तरह के अलग अलग शंखों की बात की गई है और सबका अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन किस शंख को घर में रखने से लाभ होता है और कौन सा शंख करता है इच्छाएं पूरी, ये बता रहे हैं आपको पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हिंदू धर्म में कई वाद्य यंत्रों को देवी देवताओं से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इन वाद्य यंत्रों में देवी देवताओं का वास होता है। धार्मिक ग्रंथों में कुछ वाद्य यंत्रों को घरों में रखने की बात भी कही गई है। इनमें से एक है शंख, जिसे आप रखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शंख से जुड़े कई धार्मिक महत्व इसके महत्व हैं। इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। इतना ही नहीं, शंख को घर में रखने के साथ साथ इसे बजाया भी जाता है और इसकी पूजा भी की जाती है। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि शंख में देवी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, देवी लक्ष्मी की पूजा देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए जगत पिता नारायण इसे धारण करते हैं। ऐसे में शंख को घर पर रखना ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के आधार पर बेहद ही शुभ माना गया है। हालांकि शंख के कई प्रकार और आकार होते हैं, इन सभी को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हिंदू धर्म में 10 तरह के अलग अलग शंखों को महत्व दिया गया है। आइए आपको बताते हैं इस वीडियोस के माध्यम से कि अगर आप इन्हें घर पर रखते हैं तो यह आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। बाजार में आप इन्हें किसी अच्छी धार्मिक सामग्री रखने वाली जो दुकान है, जो बेहतर है, वहां से आप खरीद सकते हैं इसका परख और जांच समझ के। आइए आपको बताते हैं कि इन शंखों के बारे में इस वीडियोस के माध्यम से। काम पहला जो है कामधेनु शंख। यह शंख आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसका आकार गाय के मुख के जैसा होता है, इसलिए इसे कामधेनु शंख कहा जाता है। वास्तु अनुसार यदि आप इस शंख को घर में रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं तो इससे लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है और इससे आपको स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि इस शंख की पूजा करने पर आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही कार्य भी कर पाते हैं। दूसरा जो है गणेश शंख है। अगर आप भगवान गणेश के भक्त हैं तो आपको पता होगा कि भगवान गणेश की पूजा पाठ अभ्यर्चना में लड्डू, दुर्वा, लाल रंग का फूल, जनेऊ, नारियल, पान और सिंदूर की उपस्थिति बिल्कुल ही अनिवार्य होती है। इन सभी के साथ साथ अगर आप गणेश शंख भी भगवान गणेश की पूजा में शामिल कर लें तो आपको श्री गणेश के आशीर्वाद के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। इससे आपको आर्थिक स्थिति में भी सुदृढ़ता होगी। मान्यता है कि इस शंख को घर में रखने से आपके किसी भी कार्य में आ रहे विघ्न या बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप पर कर्ज चढ़ा है तो उसे आप उतारना भी अगर आप चाह रहे हैं लेकिन वह उतर नहीं पा रहा है, वह आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन इनका पूजा पाठ से या रखने से आसान हो जाता है। आपको बता दें कि यह शंख आपको आसानी से मिल सकता है और इसका आकार गणेश भगवान के मुख की तरह होता है। तीसरा जो है अन्नपूर्णा शंख। यह शंख रसोई घर से जुड़ा हुआ होता है। आपको बता दें कि किसी भी घर की सुख शांति घर की रसोई से जुड़ी हुई होती है। अच्छा भोजन परिवार को सेहतमंद बनाता है और परिवार को
एक साथ जुड़कर भी यह रखता है। इसलिए अन्नपूर्णा संघ को घर की रसोई में रखें, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे अन्नपूर्णी सदा पूर्णे, अन्नपूर्णा संघ रखने से हमेशा पूर्णता होती है। मान्यता है कि संघ में दूध भरकर घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। मोती संघ यदि आप घर में रखते हैं और इसकी प्रतिदिन पूजा करते हैं तो इससे आपकी सेहत को बहुत ही लाभ मिलता है। कहते हैं कि यह संघ मन को शांत करता है और यह हृदय रोग नाशक भी होता है। मोती संघ की स्थापना पूजा घर में सफ़ेद कपड़े पर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतरी होगी। आगे जो है मैं बता रहा हूँ विष्णु संघ के बारे में। जगत पिता नारायण द्वारा धारण किए गए संघ को विष्णु संघ कहा गया है। इनकी स्थापना कार्यस्थल पर करनी चाहिए। यह संघ प्रगति देता है और कार्यशील बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद बता रहे हैं ईरावत संघ वास्तु और सेहत दोनों के नज़रिए से बेहद फायदेमंद होता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती है और निश्चित रूप से सकारात्मकता बनी रहती है। यदि आप इस संख में पानी भरकर पीते हैं तो इससे आपके चेहरे पर चमक आ जाती है। आगे जो मैं बता रहा हूँ पौंड संख के बारे में। पौंड संख विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस संख को अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं। इसकी ऊर्जा से आपका मन अध्ययन में लगेगा, आप एकाग्रचित होंगे और आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसके बाद बता रहे हैं मणिपुष्पक संख को भी कार्यस्थल पर आप रख सकते हैं। यदि आप इस संख की नियमित रूप से अगर आप पूजा करते हैं, इसकी अर्चना करते हैं तो आपको इससे यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको बता दें कि कार्यस्थल पर आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। देवदत्त शंख, आपने इसका नाम सुना होगा। ऐसा कई बार होता है कि आप सही दिशा में हर कार्य कर रहे हैं, आप सीधे काम कर रहे हैं, मगर दुर्भाग्य से आपका हर कार्य गलत होता जाता है। ऐसे में आपको बता दें नियमित रूप से देवदत्त शंख की पूजा आपको करनी चाहिए। यह दुर्भाग्य नाशक शंख होता है। कहते हैं कि इस संख की पूजा करने से हर क्षेत्र में विजय मिलती है। महाभारत ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अर्जुन ने युद्ध से पहले देवदत्त शंख बजाया था और बाद में विजय भी पांडवों की ही हुई थी। इस संख को शक्ति का प्रतीक भी माना गया है। यह रखने से निश्चित रूप से विजय प्राप्त होता है। आपने दक्षिणवर्ती शंख का नाम सुना है। इस शंख को दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है वहीं इसका पेट जो है दाईं ओर खुलता है। यह शंख दिव्य माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति को बढ़ाने के लिए दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि यह शंख रोग नाशक भी होता है और घर में अगर इसकी पूजा की जाए, अगर इसकी उपस्थिति मात्र से ही सभी सेहतमंद बने रहते हैं। इस तो निश्चित रूप से आप अपने कार्यस्थली पे, अपने पूजा स्थली पे आप यह दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, परिवार को स्वस्थ बनाने के लिए, आकर्षण के लिए, निरोग बनाने के लिए दक्षिणवर्ती संघ आपके लिए यह अचूक साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। जय माता दी। वंदे मातरम।